गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन राणा, पी जी टी मैथमेटिक्स, एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय एमडन सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लाथ। तो हम 11th क्लास में जो थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे, 5th क्वेश्चन बताया था आपको, तो अब हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको, या कोई कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो भी नहीं बताए हुए मैं आगे बताऊंगा, तो उन फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं 6th। देखिए, ये आपकी जो NCERT है, उसकी जो एक्सरसाइज है 3.3, ठीक है, उसका 6th क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले आपको हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये पाई बाय 4 माइनस एक्स पाई बाय 4 माइनस वाई, पाई बाय 4 माइनस एक्स पाई बाय 4 माइनस वाई, आप इसको क्यों ना ए मान लें, ये ए है इतना, तो ये ए है, तो ये मान लीजिए क्या हो गया, बी मान लिया इसको, ए भी हो गया। तो अगर आप नेक्स्ट टर्म में देखें तो ये वापस यही टर्म आ रही है ए, और ये क्या हो जाएगा, वापस बी। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या बन जाएगी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन गई ना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी एक फॉर्मूला होता है, हमने किया था, ये होता है कोस ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज़ को इक्वल रख दूँ कोस ए प्लस बी के, तो कोस जो ए प्लस बी है, अब यहाँ पर वैल्यू रखूँगा ए और बी की, तो ए कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस बी कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक, तब देखिए क्या बन गया, कोस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो पाई बाय 2 हो गया, 45 45 90, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसे बन गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ कोस पाई बाय 2 माइनस कॉमन ले लिए, ये बच गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमें पता है कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, साइन एक्स प्लस वाई, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखिए साइन एक्स प्लस वाई बन गई ना, दैट इज अवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ऐसे करने आप क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूलेज पता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार इसी एक्सरसाइज का। 7th क्वेश्चन में देखिए, 7th में हमें प्रूव करना है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन
टेन पाई बाई फोर माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमने इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेंजेंट ए प्लस बी का, ठीक है आपको याद आ रहा होगा टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। तो टेन ए प्लस बी में क्या था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यह था फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अगर मैं इसमें ए को रिप्लेस कर दूँ पाई बाई फोर के साथ और बी को रिप्लेस कर दूँ एक्स के साथ, तो देखिए एक फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट पाई बाय फोर प्लस एक्स का। एक की जगह टेन पाई बाय फोर आ जाएगा, टेन पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स। ठीक, अब देखिए टेन पाई बाय फोर तो वन होता है, तो वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस ये वन हो गया, ये हो जाएगा टेन एक्स। तो टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स हो गया। सिमिलरली अगर मैं रिप्लेस कर दूँ एक्स को माइनस एक्स से, तो टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ भी चेंज हो जाएंगे साइन, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। और आप फॉर्मूला लगा सकते हैं टेन ए माइनस बी का। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी, टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स है, तो टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स ही हो जाएगा, तो वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स अपॉन डिवाइड में आएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स वाला फॉर्मूला, ये वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। ठीक, अब ये देखिए वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। अब जो डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ये पता आपको, जनरल जो एक डिवीजन का फॉर्मूला है, रूल है जो एक्चुअली वो यही है। तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। क्लियर, अब देखिए वन प्लस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स, तो वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी दोनों का, तो हमने दोनों को एक साथ ही देखिए सेम है टू टाइम्स है, उसको आप स्क्वेयर में लिख दीजिए, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो ये जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यो आगे भी क्वेश्चंस है काफ़ी। ये एट्थ क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही फॉर्मूले लगाने हैं आपको। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है आगे जो, सॉरी नाइन्थ है, ये भी इसको भी आपको ऐसे ही करना है, नाइन्थ क्वेश्चन फिर टेंथ क्वेश्चन। ठीक है, तो जो फॉर्मूलेज मैंने बताए थे वो ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके बता सकते हैं, देखेंगे हम। अगर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ऐसी हुई, उस पर अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसका भी आपको वर्कशीट मिलेगी, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, बाकी एक्सरसाइज 3.3 है, आप मान के चलिए यही होमवर्क है, जितने हो सकते हैं आपसे 9, 10, 11, 12 जहाँ तक भी हो सकते हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो घर पर रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, सेफ रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।